हाई एवरी वन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आज हम इस वीडियो में एक स्ट्रैटेजी देखेंगे फॉर सी सैट ठीक है दैट इज़ सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट दैट इज़ योर पेपर टू ऑफ प्रिलम्स अब ये जो पेपर है ये काफ़ी ड्रेडेड है फॉर दोज पीपल हु कम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड और हु कम फ्राम मेडिकल बैकग्राउंड कोई भी ऐसा बैकग्राउंड जिसमें कि हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है या अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है ठीक है सो so, अब सबसे इम्पॉर्टेंट uh, चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है बिफोर वी प्रोसीड विद दिस वीडियो कि ये जो एग्ज़ाम है ना ये क्वालिफाइंग है ठीक है क्वालिफाइंग का मतलब है कि आपको एक कट ऑफ क्रॉस करनी है जो कि प्री डिसाइडेड है डेट इज़ थर्टी थ्री परसेंट अगर हम मार्क्स की फॉर्म में देखें तो सिक्सटी सिक्स मार्क्स क्वेश्चन की फॉर्म्स में देखें तो ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन ठीक है इसको जब हमने क्रॉस कर लिया यू विल बी क्वालिफाइड अब ये जो एग्ज़ाम है ना इसमें आपको दोनों तरह के लोग ही दिखेंगे एक ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है जो बिल्कुल भी इसको प्रिपेयर नहीं करते हैं वो सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम में जाएंगे एंड विल क्लियर इट ऐसा नहीं होता है आई हैव पर्सनली सी मैनी पीपल नॉट एबल टू क्रैक प्रिलिम्स ठीक है चाहे उनके जी एस में बहुत अच्छे मार्क्स थे लेकिन उनका प्रिलम्स क्रैक नहीं हुआ क्योंकि उनके सी सैट में मार्क्स अच्छे नहीं थे सी सैट के दे कुट इवन स्कोर सिक्सटी सिक्स मार्क्स बिकॉज द लेवल ऑफ द पेपर इज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट अगर तो ईजी है तो नथिंग लाइक इट है ना बट हमें ऐसे प्रिपेयर करना है कि जो लेवल ऑफ द एग्ज़ाम है वो मॉडरेट तो रहेगा ही इट कैन गो टूवर्ड्स डिफ़िकल्ट ऑल्सो राइट ईजी है तो हमारे अगर हमने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है सो वी हैव नथिंग टू लूज एक तो जैसे मैंने बताया ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ओवर प्रिपेयर्ड हैं उनको लगता है एक ओवर सॉरी ओवर कॉन्फिडेंट है ठीक है वो एक तो मार खाते हैं इस पेपर में और दूसरे लोग जो सोचते हैं कि हम सिर्फ सी सर टी करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे क्योंकि हमें आता नहीं है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि सी सैट सिर्फ क्वालिफाइंग है ठीक है हमें तैयारी इतनी करनी है कि हम कंफर्टेबल हो जाएं हम एटलीस्ट सौ मार्क्स इजीली ले सकें दैट शुड बी योर सोल एम ठीक है एज़ फार एज़ यू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज़ कंसर्न मोस्टली स्टेट एग्ज़ाम्स में भी आजकल जो एग्ज़ाम है सी का वो क्वालिफाइंग हो गया एक्सेप्ट ऑफ यू जैसे पंजाब में नहीं हुआ है अभी तो उसके लिए जब एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है तब आप तीन चार महीने आपको मिलते हैं तब आप सी साइट का लेवल अच्छे से कर सकते हैं बट अभी से आप एग्ज़ाम भी नहीं है कोई साइट में तो आप करने लग जाओ तो वो थोड़ा सा वेस्ट ऑफ योर एनर्जी है राइट एक तो ये चीज़ हो गई दूसरी चीज़ अगर अब देखो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्ज़ाम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पंजाब के लिए प्रिपेयर कर चुके हो या आप आर बी आई के लिए या सी बी के लिए कोई भी ऐसे एग्ज़ाम बैंक के लिए जहाँ पर एप्टीट्यूड यू नो इज़ अ वेरी इनहेरेंट पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम तो भी आपको ज़्यादा कुछ सी साट के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है सो ये जो वीडियो है ये आई वुड से उन लोगों के लिए है दोस्ट हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन जो दो हज़ार बाईस में पहला अटैम्प्ट देंगे और उन लोगों के लिए जिनका सी सैट अच्छा नहीं है उन्होंने कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं लिखा है जिसमें कि सी सैट एक फुल फ्लेच्ड तैयारी मांगता है ठीक है सो उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि इसमें मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊँगी कि जो सी सैट के मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ या यू नो नथिंग लाइक दैट इट इज़ अ प्लेन स्ट्रेटी स्ट्रेटिजिक स्ट्रैटी डिस्कस करने वाला हमारा वीडियो ठीक है अगर हम एग्ज़ाम की ही बात करें देखो सिलेबस में ना हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आता है मोस्टली अगर आपने सी सैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हो 2013 से हमारे पास सी सैट रेगुलरली हो रहा है 13 और सॉरी 2012 से हो रहा है 13 और 12 13 और 14 में इट वाज नॉट क्वालिफाइंग उसके बाद से क्वालिफाई हो गया बट द पॉइंट इज़ कि आपको बारह ऑनवर्ड्स पेपर ज़रूर मिल जाएंगे सी के जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है अब अगर हम बात करें इंग्लिश जो कॉम्पोनेंट है उसमें मोस्टली ना आपको कॉम्प्रीहशन वाला पार्ट ही आता है ठीक है रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन की अगर आप ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एनालिसिस करो तो कई कई बार बीस क्वेश्चन भी थे कई कई बार तीस क्वेश्चंस भी रहते हैं कई कई बार पैसेजेस बहुत ही सिंपल रहते हैं कई बार वो डिफ़िकल्ट रहते हैं कई बार बहुत लंबे पैसेज के बाद एक ही क्वेश्चन होता है कभी 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 बहुत लंबे पैसेज के बाद तीन चार क्वेश्चन होते हैं ठीक है तो वो सब आपको एक तरह से टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है अगर आपने प्रैक्टिस ना की हो बट नान लेस हमें कॉम्प्रिहेंशन ही पूछा जाता है तो हमें कॉम्प्रीहेंशन पे ही ध्यान देना है और अगर आप यू की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहते हैं उससे आपकी कॉम्प्रिहशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हो जाती है तो इतना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ऑब्वियसली आपको इसकी भी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी देन लॉजिकल रीजनिंग जैसे अगर हम 2019 का पेपर देखें 2020 का पेपर देखें तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग के यू you नो know, 20 से 25 क्वेश्चंस रहते हैं एप्टीट्यूड के 30 बत्तीस क्वेश्चंस रहते हैं मतलब चेंज होता रहता है तो आप एवरेज ले लीजिए कि पच्चीस से टेंथस क्वेश्चन किसी भी कॉम्पोनेंट से के आ सकते हैं ठीक है ये वाला जो पार्ट है डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ये इतना अभी हमने लेटर जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें नहीं देखा जो शुरू के एग्ज़ाम्स में उनमें ज़्यादा था फिर मेंटल एप्टीट्यूड बेसिक न्यूमरेसी और डी जैसे अगेन कुछ ऐसे एग्जाम्स हुए हैं कुछ सालों में जहाँ पे डी बिल्कुल भी नहीं पूछा गया और कुछ ऐसे एग्जाम्स हुए हैं जहाँ पर वो पूछा गया है तो हमें जो एग्ज़ाम पर ध्यान देना है तो हमें तो सारे कॉम्पोनेंट्स पे ही ध्यान देना है एज एन लगर अगर आपको लगता है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है मोस्टली क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हम कॉम्प्रहेंशन के सारे सवाल कर अटैम्प्टेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि कॉम्प्रिहेंशन की जो ऑप्शन रहती हैं ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं तो उसमें जब तक की नहीं आती ना किसी को पता ही नहीं होता है कि सही आंसर क्या है तो इसलिए जो कॉम्प्रीहेंशन चाहे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है आप बहुत मतलब परफेक्ट हो इंग्लिश में तो भी हम कॉम्प्रीहेंशन पे रिलाई नहीं कर सकते मतलब मेरा पर्सनल मानना है कि हमें कॉम्प्रीहेंशन पे रिलाई नहीं करना चाहिए ठीक है हमें थोड़ा सा मैथ्स अच्छे से और थोड़ा सा रीजनिंग uh, रीजनिंग तो मोस्टली काफ़ी लोग इवन इफ योर मैथ्स इज़ नॉट गुड इफ़ यू आर नॉट फास्ट इन कैलकुलेशन तो भी आप रीजनिंग में थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हैं ठीक है तो आई वुड ओनली सजेस्ट कि मैथ्स एप्टीट्यूड uh, मतलब क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग और डी पे भी ध्यान दें ठीक है रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन की एक लेवल तक तैयारी कर सकते हैं उसके बाद वी कांट से के पैसेजेस कैसे आएंगे कभी तो कभी इतने फिलासफिकल पैसेजेस आते हैं वो कहते हैं कि ऑथर क्या कहना चाहता है और चारों ही ऑप्शन आपको लगता है कि चारों ही बातें वो कहना चाहता है तो आप कुछ भी मार्क करके आ जाते हैं और वो गलत हो जाता है तो उसमें क्या होता है क्योंकि नेगेटिव है तो आपकी कट ऑफ अगर आपने बहुत ही पॉइंटों पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आप हो सकता है ऑन दी अदर साइड ऑफ कट ऑफ ही आ जाएँ ठीक है so सो वो चीज़ रहती है टू हंड्रेड मार्क्स का हमारा पेपर है जी का भी टू का होता है इसका भी टू का होता है जी में सौ क्वेश्चन है इसमें अस्सी क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो टू है वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग रहती है तो पॉइंट एट थ्री मार्क्स आपके कट जाते हैं अगर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत मार्क करते हो तो एंड इज क्वालिफाइंग इन नेचर अब जैसे अगर आपके जो मिनिमम क्वेश्चंस हैं हम लगाते हैं कि सत्ताईस क्वेश्चंस अगर आप सही है तो मतलब यू आर पासिंग द कट ऑफ लेकिन अब सत्ताइस क्वेश्चन सही करने के लिए आपको क्वेश्चंस तो ज़्यादा अटैम्प्ट करने पड़ेंगे ना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और कोई भी क्वेश्चन गलत हो सकता है तो हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट फोर्टी फाइव क्वेश्चन आप करके आओ अटैम्प्ट ठीक है ताकि आपके एटलीस्ट सत्ताईस तो सही हो जाए और इसी में लाइक आई सेट की जो रीडिंग ऑम्प्रिहेंशन वाला है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन क्योंकि उसका अगर आपने सही निकाल दिया या रीजनिंग सही निकाल दिया तो आपको पता है इसका आंसर यही है रीडिंग ऑम्प्रहेंशन में हमें शोर नहीं होता है ठीक है सो थर्टी थ्री परसेंट आधा क्वालिफाइंग मार्क्स अच्छा उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या है जैसे आपने अभी तैयारी शुरू की है तो आप कोई भी लास्ट ईयर पेपर उठाएँ ठीक है उसको सॉल्व करें अगर तो आपके मार्क्स 120, 130 बन रहे हैं ठीक है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं मैथ्स में एप्टीट्यूड में रीजनिंग में तो वो ईज़िली बिना किसी तैयारी के uh, 120 नंबर ले जाते हैं 100 नंबर ले जाते हैं ठीक है तो तो आपको मतलब सी सैट के बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है एज़ फार एज़ यू पी एस सी इज़ कंसर्न आप या तो दो तीन महीने पहले जैसे एग्जाम है उससे दो तीन महीने पहले आप थोड़े से पेपर सॉल्व कर लीजिए या जनवरी ऑनवर्ड्स आप हर महीने एक पेपर सॉल्व कर लीजिए ठीक है ताकि आपको आइडिया होता रहे थोड़ी बहुत स्पीड की बात होती है ठीक तो वो आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अब कोई ऐसे लोग होते हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते जैसे उनके 66 मार्क्स भी नहीं बने है ना जब वो घर बैठ के कर रहे थे इवन उन्होंने दो घंटे के बजाय तीन घंटे भी लगा दिए तो भी उनके 66 मार्क्स नहीं बने या फिर उनके 80 नंबर ही बने है ना तो जो ऐसे लोग होते हैं कि जो कट ऑफ जस्ट क्रॉस करते हैं उसे कम भी होते हैं तो उन लोगों के लिए हमें फुल फ्लैट सी सैट की प्रेपरेशन करनी ही पड़ती है उन लोगों के लिए दे हैव टू सेट एंड दे हैव टू मेक अ टाइम टेबल ठीक है कि क्लट से मैं हर महीने uh, या हर हफ्ते दो घंटे दूंगा या हर महीने मैं एक पूरा दिन दूंगा वो आपके ऊपर है ठीक है आपको सिलेबस पता है एक क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है डी आई है इंग्लिश ग्रामर है ग्रामर में भी रीडिंग और कॉम्प्रहेंशन है तो वो अगर आप ग्रामर पे काम करेंगे तो आपका रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाता है ओब्वियसली लेकिन अगर आप सिर्फ आर एन सी पैसेजेस ही कर रहे हैं दैट वुड डू राइट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इनको सिलेबस देखें ठीक है और थोड़ा थोड़ा पार्ट हर एक कंपोनेंट का करते रहें लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है ना उस पर काम करें अगर आपकी स्ट्रेंथ रीजनिंग है तो आप रीजनिंग की और अच्छी प्रैक्टिस करें ठीक है क्योंकि रीजनिंग के 18 से 20 क्वेश्चंस तो आने ही हैं तो अगर आपके वो सब सही हो गए तो आपके काफ़ी अच्छा चांस बन जाएगा अगर आपकी स्ट्रेंथ एप्टीट्यूड है आप उस पर ज़्यादा काम करें ठीक है तो अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको ज़्यादा बिल्ड करें वीकनेसेस को भी हम एक नॉर्मल लेवल पर लेकर आएंगे लेकिन क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग पेपर है वी नीड टू चूज़ आर बैटल स्वा इसलिए हम पूरा हफ़्ता आप बोले कि मैं सी ही करता जा रहा हूँ या मैं रोज़ चार चार घंटे सी पे पर लगा रहा हूँ वो गलत है क्योंकि एट दी एंड ऑफ इट ऑल तो ये क्वालिफाइंग ही है और आप उन लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं लेट्स से वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स हैं उनके लिए तो सी सैट एक तरह से एक एक वॉक है वो तो कुछ भी नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे इसकी प्रपरेशन में है ना तो वो जो टाइम है जो लोग आप वो टाइम सी सैट में यूज़ कर रहे हो जो कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और बाकी आपके जो कॉम्पिटिशन है वो जी में कर रहे हैं ठीक है सो तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है महीने में एक दिन या हफ्ते में दो दो घंटे या दो हफ्तों में एक आधा दिन जैसे भी है ना डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल और इतना ही देना है टाइम और जैसे आपका जानवरी ऑनवर्ड्स आप थोड़े से मॉक सॉल्व कर लीजिए ठीक है दैट शुड डू और अगर आपको लगता है कि आपका सी बहुत ही बुरा है तो 2012 ऑनवर्ड सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर सॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए कि पहले आप टाइम दो घंटे में सॉल्व कर रहे हैं अगर आपका पेपर छूट जाता है तो जो छूट गए उनको बाद में सॉल्व कीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दो घंटे में मैं साठ क्वेश्चन ही कर पाता हूँ ठीक है उसमें से भी मेरे आधे तो गलत ही हो जाते हैं सो ऑल ऑफ दैट यू हैव टू डिवाइज़ योर ओन स्ट्रैटेजीज़ में आपको कोई स्ट्रैटेजी में कोई हेल्प नहीं कर सकता कि हर एक का लेवल अलग है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें सोर्सेज की राइट तो सोर्सेज में देखो स्टैंडर्ड बुक्स ही हैं जैसे कि आर एस अग्रवाल क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग की भी आर एस अग्रवाल की आती है और कोई भी रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस बुक या आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ये भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं इवन स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट है एप्टीट्यूड पे रीजनिंग पे वो उसमें सारी जो वेदिंग मैथ्स की ट्रिक्स हैं वो भी सब कवर्ड हैं तो आप वो भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप हमारा कोर्स भी खरीद सकते हैं सी साट का विच इज़ प्राइज्ड एज थर्टी फाइव हंड्रेड ओनली अब ये जो थर्टी फाइव हंड्रेड है इसमें कंटेंट और टेस्ट सीरीज़ दोनों हैं ठीक है इंडिविजुअली ये ट्वेंटी फोर हंड्रेड और ट्वेंटी टू हंड्रेड का है लेकिन आप पूरा कोर्स लेते हैं तो ये थर्टी फाइव हंड्रेड का मिलता है अब हमने कोर्स को कैसे डिज़ाइन किया है जैसे आज आपने कोर्स इनरोल किया तो आपके प्लेटफॉर्म पे जितने भी वीडियोस हैं वो सब आ जाएंगे हर एक टॉपिक ठीक है जैसे लेट्स ये एप्टीट्यूड का अगर कोई टॉपिक है तो हमने उसको उसकी कंटेंट ठीक है जो आपको ट्रिक्स बताएगा उसके बारे में बेसिक्स बताएगा वो कंटेंट वीडियो अलग है उसके बाद दो सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट वन प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट टू सेट टू में थोड़ा लेवल अप है ठीक है तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप सेट वन से करेंगे अगर आपको लगता है कि मेरा लेवल इस में अच्छा है तो आप सीधा सेट टू के क्वेश्चन कर लीजिए प्रैक्टिस करना है तो दोनों के कर लीजिए और ये जो वीडियोस हैं आपके पोर्टल पे रहते हैं अनटिल द प्रिलम्स ठीक है और आप जितनी बार मर्जी चाहें इनको देख सकते हैं जितनी बार मर्जी चाहें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई मनाही नहीं है ठीक है उसके बाद टेस्ट सीरीज़ की बात करें ना तो सेक्शनल टेस्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड डी आई का एक है रीजनिंग का एक है इंग्लिश रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन का एक है और फिर जो थ्री फुल लेंथ टेस्ट भी हैं ठीक है सो ये टेस्ट हमारे एक शेड्यूल से आते हैं आप उससे पहले अगर आपको पता है कि सो एन सो डेट पर आना है तो आप क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड उससे पहले प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक है सो ये है उसके बाद अगर आपको कोई इशू आता है तो हमारे पास सी सैट की फैकल्टी है वो आपकी पूरी हेल्प करेगी ठीक है बाकी हमारे जो वीडियोस हैं वो उतने ही हैं जितने यू सिविल सर्विसेज के लिए रिक्वायर्ड हैं शायद उससे ज़्यादा ही हैं ठीक है आप उनको स्टेट सर्विसेज में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल पंजाब में आप यूज़ कर सकते हैं तो वो उतना ही है जितना रिक्वायर्ड है राइट इट इज़ नॉट मोर इट इज़ नॉट लेस मतलब अगर आपको क्वालिफ़ाई करना है सी सेट तो आप अपने घर बैठ के भी तैयारी करके कर सकते हैं लेकिन अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हमारी आ, ये कोर्स ले सकते हैं बाकी यूट्यूब पे जो हमारी वीडियोस है वो तो सबके लिए अवेलेबल है ही ठीक है अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूँगी एंड ऑल्सो जो यूट्यूब पर हमारी वीडियोज़ पड़ी हैं उनका भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक नीचे लगा दूँगी ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो राइट सो दिस वॉज़ रिगार्डिंग हाउ यू कैन स्ट्रीम लाइन योर सी सैट प्रेपरेशन अगेन आई वुड से ज़्यादा टाइम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है एक टाइम टेबल बनाइए एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन लेके आइए एंड स्टिक टू इट आप ज़्यादा टाइम देंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा उतना ही एफर्ट उतनी एनर्जी आप जी एस पे लगाएं राइट सो दैट वॉज रिगार्डिंग टू डेज वीडियो आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हैं थैंक यू सो मच